हर साल की तरह इस साल भी बेटमा नगर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, जिसमें स्थानीय सागर रोड स्थित बालाजी मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः वहीं समाप्त हुई, जहां भगवान विश्वकर्मा की आरती सभी श्रमिकों द्वारा की गई। यात्रा में बैंड बाजों के साथ युवा झूमते नाचते चल रहे थे। वहीं यात्रा में शामिल घोड़ी का नृत्य व झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। लगातार 16 वर्षों से हो रहे कारीगरों की इस शोभा यात्रा का पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल मित्र मंडल के साथ ही कई मंचों से स्वागत किया गया। विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी भी माना जाता है। उनके जन्मदिन पर मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्वकर्मा को देवशिल्पी यानी कि देवताओं के वास्तुकार के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ज़्यादातर कारीगर छुट्टी मानते हैं और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा करने का विधान है। अपनी शिल्प कला के लिए मशहूर भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं में आदरणीय हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के सातवें धर्मपुत्र हैं। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।